क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? टूथपेस्ट में नमक? जी हाँ, नया लॉलगेट, इसमें है नमक और लौंग जैसे कई गुण। तो आज ही घर लाए लॉलगेट। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? नमक, लौंग, इलायची, ये सब छोड़ तू घर में घुसा कैसे, ये बता पहले। अरे नहीं नहीं मैडम, दरवाजा खुला हुआ था तो हमने सोचा कि हम अंदर आ जाए। मैडम हमारा टूथपेस्ट ले लो ना, आपका दर्द भी ठीक हो जाएगा और मेरा टारगेट भी पूरा हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, निकलो यहाँ से। मैडम ले लो ना, मैडम मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे छोटे छोटे माँ बाप है। निकलो बाहर, चलो 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 निकलो बाहर, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। चलो रुक, तू ऐसे नहीं मानेगा ना। गाइस मैं तो चली ब्रश करने, लेकिन आप लोग यहीं रुक के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करके जरूर बताना। अब बनाए आपकी विंटर ड्राई स्किन को इतनी सॉफ्ट कि हर दिल कहे गूगली वूगली वक्ष। एक मिनट, अगर गौरव आ गया तो, और उसने वो टीवी एड की तरह मेरे गाल को खींच के गूगली वूगली वक्ष कर दिया तो मेरी स्किन तो कितनी ड्राई है। एक काम करती हूँ, बॉन्ड्स की क्रीम लगा लेती हूँ। आई होप अब मैं अच्छी लग रही होंगी। गौरव, दूधनी, अरे गौरव क्या हुआ? गौरव तो डर के चला गया, मेरी स्किन इतनी ड्राई लग रही है क्या? क्या हुआ बेटा, तू इतना अपसेट क्यों है? मम्मी मैं इतना पतला क्यों हूँ? कॉलेज में सब मुझे पतला पापड़ कह के चढ़ाते हैं। बस इतनी सी बात, एक मिनट ये ले। ये क्या है मम्मी? भंडोरा मास, इसको दूध में मिलाकर पी जा बेटा, फिर कल से तेरे को कोई भी पतला पापड़ नहीं कहेगा। ठीक है मम्मी, इसे मैं अभी पीता हूँ। थैंक यू मम्मी। थैंक यू मम्मी, भंडोरा मास ने मुझे कॉलेज का हैंडसम हंक बना दिया। थैंक यू भंडोरा मास। क्या हुआ बेटा, इतना अपसेट क्यों है? देखो ना मम्मी, कॉलेज में सब मुझे पतला पापड़ कह के चिढ़ाते हैं, इसलिए मैं ले आया हूँ भंडोरा मास, इसे खाऊंगा और मोटा हो जाऊंगा मैं। हे भगवान, तुझे हम घर में खाना नहीं देते? जो तू ये पाउडर ले आया, आज तू ये पाउडर खाएगा, कल इंजेक्शन लगवाइयो, परसों प्लास्टिक सर्जरी करवाइयो। पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, शरीर खराब कर देते हैं बिल्कुल। जो करना है कर, और अगर कोई नुकसान हुआ ना तो मेरे पास मत आइयो। मैंने तो पहले ही कहा था, और खा भंडोरा मास। जी शर्मा जी घर पर हैं क्या? शर्मा जी घर पर है ना, आप अंदर आइए। कहाँ है शर्मा जी? वो शर्मा जी का घर तो बगल वाला है, वो घर पर ही है। आप बताइए क्या लोगे, कॉफी या चाय? घंटा फ्रेश दे आपकी सासों को ताजगी।
हाँ जी बताइए। कौन है बिंदु? क्या चाहिए तुझे? सबके घर जाके ऐसी बदबू छोड़ता है क्या? जी, मैं तो शर्मा जी से मिलने आया था, मेरे को नहीं पता, मैं कुछ नहीं करा मैंने। छी, यहाँ कोई शर्मा जी नहीं रहते, लेकिन आज तुझे ऐसा मजा चखाऊंगी ना कि तू अगली बार पराई लड़की के मुंह पर फूकने से पहले 10 बार सोचेगा। रुक तो, कितनी गंदी बदबू आ रही। Excuse me. जी? क्या मैं आपकी बेरी मिल्क में से एक छोटी सी बाइट ले सकता हूँ? क्या मैं आपको जानती हूँ? नहीं, लेकिन मेरी माँ कहती है कि कोई भी शुभ काम करने से पहले हमें कुछ मीठा खा लेना चाहिए। Kiss me, close your eyes and miss me. वैसे क्या शुभ काम करने जा रहे हैं आप? मैं सोच रहा था कि आपको इंटरव्यू के बाद घर ड्रॉप कर दूं। I can read your lips. Your fingertips, I can. Excuse me. जी? क्या मैं आपकी बेरी मिल्क में से एक छोटी सी बाइट ले सकता हूँ? क्या मैं आपको जानती हूँ? नहीं, लेकिन मेरी माँ कहती है कि कोई भी शुभ काम करने से पहले हमें कुछ मीठा खा लेना चाहिए। अच्छा, मतलब मैं तुझे चॉकलेट खिलाऊं और फिर जॉब तुझे मिल जाए और मैं यहाँ पे बेरोजगार रह जाऊं। सॉरी सेल्फिश कहीं के, अभी बताती हूँ तुझे। अरे लेकिन मैं आपको घर ड्रॉप करने वाला था। अच्छा, पहले तो मेरी जॉब खा गया और अब मुझे घर ड्रॉप करने का एहसान दिखा रहा है। रुक। अरे लेकिन वो टीवी एड में तो ऐसे दिखाते हैं। रुक, अभी तेरे दिमाग से एड का कीड़ा निकालती हूँ। रुक तो, अभी बताती हूँ। अरे यार, मुझे करनी नहीं है ये जॉब। अब तो जॉब मुझे मिलेगी। तुझे चाहिए जॉब? नहीं 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 नहीं। ओह माय गॉड, मजा। ओह माँ। स्वीटी, ये क्या किया तूने? मम्मी, मैंने जानकर नहीं किया, ये अपने आप गिर गया। और मम्मी, अगर इसे धोएंगे ना तो दाग चला जाएगा। अरे ऐसे दाग आसानी से नहीं जाते हैं। क्यों, चौंक गए? देखा मम्मी, ट्राइड डिटर्जेंट कितना तेज है, आप चौंक जाओगे। आप भी आज ही घर लाए ट्राइड डिटर्जेंट। मम्मी, अभी मैं आपको एक ऐसी ट्रिक दिखाऊंगी कि आप चौंक जाओगे। कौन सी ट्रिक? अरे मम्मी, मैंने टीवी एड में देखा था, आप बस चुपचाप बैठ कर देखो। स्वीटी बदतमीज, तूने मेरा नया शॉल खराब कर दिया। अरे मम्मी, आप रुको तो सही, बस डिटर्जेंट आता ही होगा। क्या हो रहा है? डिटर्जेंट आ क्यों नहीं रहा यार, एड में तो आ गया था। तो रुक। नहीं नहीं मम्मी, एड में सच में आ गया था डिटर्जेंट, कसम से। मम्मी, Hey guys! अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, संजालिका ब्लॉग। बाय।